আচ্ছা, আমাদের চুলে জলগুলো কিভাবে আটকে রয়েছে জল আমি না, জানি এটা না। জেল জেল। নীলাঞ্জন দা হম লোগো কো ছোড় কে ভাগ গয়ে, রাত কো জঙ্গল মে হম লোগ ভটক রহে হ্যায় ভূত কি তরহ বাতাও। ये अभी जहाँ पे हम लोग चाय पिए ना, वहाँ से हार्डली 2 या 3 मिनट नहीं लगा होगा। ये सेल्पू हिल्स है, जो अहलधारा व्यू पॉइंट भी जिसको बोला जाता है। तो अचानक दिखा रास्ते में, तो अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। देखे, एक्चुअली प्लान था हमारा अहलधारा जाने का, और रास्ते में ही पड़ गया। तो इसको अब देखते हुए व्यू पॉइंट अंदर जाके देखते हैं कैसा है, और वेदर दिख रहा होगा पीछे। टिकट है यहाँ पे 10 रुपये करके, 300 मीटर अंदर जाना है। वैसे गाड़ी भी जा सकता है अंदर, बट गाड़ी लॉक करो। तो बस यहाँ से अब हम लोग देखें अंदर। वेदर अगर क्लियर रहता ना तो और भी अच्छा लगता देखने में, बट चलो। यहाँ ऊपर एक होम स्टे है, ये एक होम स्टे है, एक होम स्टे वहाँ पे है जो हम लोग उस रास्ते से आए थे। और ये होम स्टे लेने का सबसे जो सही मजा आएगा ना, कि ये व्यू पॉइंट पूरा क्लियर दिखेगा यहाँ। बट आज तो, आज के अभी कुछ दिन ऐसा ही वेदर है, तो अभी तो कोई चांस ही नहीं कुछ व्यू देखा। देखो फिर हो गया, चलो चलो हो ना, हमारे कपाले नहीं। हैं चलो, वही तो कॉर्नर है। जिमी अच्छा क्या ना, আমাদের চুলে জলগুলো কিভাবে আটকে রয়েছে জানি না। জেল 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 জেল। তো यहां से हमारा जो होम स्टे है वो 3 किलोमीटर है। तो अगर वेदर ठीक ठाक रहा, मतलब थोड़ा सा साफ हुआ, तो हम लोग कल फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ से 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा, सनराइज देखने को मिलेगा। क्या गजलडोबा, गजलडोबा, गजलडोबा जो तीस्ता बैरेज है वो, शिलीगुड़ी गजलडोबा सब यहां से देखा जाए। सोचो, सोच के देखो क्या डिस्टेंस यहाँ से दिखता है। तो कोशिश रहेगा कल अगर मौसम क्लियर होता है ना, तो आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। दो दिन है यहाँ पे, एकदम बस बस बस। और अभी मतलब कैसे बताएं कि एक बार बोले था बेटा, कोहरा ही कोहरा भाई, कोहरा ही कोहरा है। आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और यहाँ पे कोई हम लोग से 150 ज्यादा लेके भी नहीं उतारेगा। हम लोग खुद 10 रुपए दे के आए। ये देख रहे हो सफेद सफेद, जैसे ये वाटर ड्रॉप्स है, क्योंकि हम लोग अभी है ना जहाँ पे पूरा बादल है ऊपर, और वही आके यहाँ पे जब लग रहा है तो वो पानी, देखो यहाँ पे पानी बन गया है पूरा। देखो यहाँ पे वेज मोमो खा रहे हम लोग, और इन लोग अपना ही चाय बागान बना लिया है। जब भी चाय चाहिए यहीं से पत्ती तोड़ा और चाय बना लिया, नेचुरल टी। मोमो रेडी हो गया है, नीलांजन दा और कौशिक दा का चिकन मोमो अभी आने वाला है। तो इतने टॉप पे आके मोमो नहीं खाया तो क्या किया, कुछ देखने नहीं मिलता, कम से कम खा के तो जाओ। मरे गए, मरे गए, मरे गए, मरे गए, रेडी। ये मेरा मोमो, पहाड़ का मोमो, जिसका टेस्ट एक अलग ही होता है यार। चलो वाह, ये है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से जो व्यू आ रहा है वो एक कौशिक दा का फेस, दूसरा नीलांजन दा का फेस, और बाकी पूरा दुनिया सफेद हो गया है यहाँ। अरे दो लोग सारा व्यू निकल गया हम लोगों का। चलो नंबे, चलो चलो देख लो आप भी, या मुझे किसी को दीजिए।
तो 2:10 हो रहा है और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होम स्टे में। सारा चेकिंग फॉर्मेलिटीज अभी हो गया, सैनिटाइजर वगैरह लगा के, क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस कुछ थे, तो सैनिटाइजेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। अब सामान शिफ्ट करना है ऊपर, नीलांजन दा ऑलरेडी जा चुके हैं, तो हम लोग भी चले। ये पूरा लॉक कर दिया तो सब कुछ, हाँ तो ये हमारा होम स्टे का कॉमन एरिया है, वो एक रूम, ये यहाँ पे 4 रूम है। हमारे रूम में टोटल 3 बेड है और ये पूरा सब कर हॉर्न बिल ना ना आ रहा है। हाँ तो कल सुबह हम लोग बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए निकलेंगे। एक कलेक्शन देखो यहाँ पे, हाँ अरे फोटोग्राफी की उन्हीं को है ना, जिनके यहाँ हम लोग हैं, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट फोटोग्राफर। तो कल सुबह निकलना है फोटोग्राफी के लिए उनके साथ। तो देखो मेरा तो खैर फोटोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी तो नीलांजन दा करेंगे, मेरे को ब्लॉगिंग करना है। तो कल अच्छा अच्छा साइट कुछ देखने को मिलेगा, मेनली फॉर बर्ड फोटोग्राफर्स। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है आपके लिए, अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि कौन सा जगह है ये। और ये रहा हमारा रूम, ये है किचन, ये है हमारा रूम। इस रूम में 3 बेड है हम लोगों का, और ये है वॉशरूम, एक चेयर, एक टेबल, एनफ। अच्छा है, क्लीन है, साफ सुथरा है, वेल मेंटेन। और यहाँ पर फॉर्मेलिटी करते हुए नीलांजन दा जो भी डिटेल सबमिट करना है वो सारा यहाँ पे एंट्री कर दे रहे हैं। और RT-PCR टेस्ट यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है, मतलब दिखाना क्या, उनको भेज देना है। तो जो भी हमारा RT-PCR टेस्ट था, या अगर कोई फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनको देना होगा। तो बस अब लंच का टाइम हो चुका है, अब तुरंत ये कंप्लीट करके हम लोग बैठते हैं लंच पे। দারুণ ফটোগ্রাফার, খুব নাম করা। তাই তো দেখছি, ও নিয়ে যায় সকালে সকালে ফটোগ্রাফিতে, ওই জন্য এখানে ভিড় হয়ে গেছে। ये रहा हमारा लंच, लंच में है राइस, ये चावल क्वालिटी का खूब भालो किन्हीं का, बहुत फाइन क्वालिटी का चावल है ये। और नॉन वेज में अंडा करी, वेज में है 2-3 टाइप का वेज आइटम है शायद। ये है बाधा गोभी शायद, इटा की बाधा गोभी बोल दो बच्चों। और ये है इटा और किसी एक टा वेज, और ये तो बैगन है। खा के देखते हैं कौन सा क्या है। और पापड़, प्याज, क्या नेबू प्याज के ना, ना। नीलांजन दा हम लोगों को छोड़ के भाग गए।
एकदम बंदा लगा पड़ा है आज। यहाँ जितना भी बर्ड्स है ना, हर एक बर्ड को एकदम उसके शक्ल से पहचानते हैं। पहले किचु ओ दादा बोल दे, जो उनको छत पे दिखता था वही यहां भी दिख रहा है कि उधर का जैसे सॉफ्ट कटाई चढ़ाई अच्छा है। चलो ना एक ऊपर जाए। वो तो बसे आछे बैडमिंटन देखछे। बज रहा है और एक चीज इस होमस्टे का खास है ना कि ये लोग बहुत प्रोफेशनल है, टाइमली सारा कुछ। अभी 5 बज रहा, कोई कुछ बोला भी नहीं, टाइम आ गया, टाइम पे चाय आ गया, चाय के साथ एक स्नैक्स जैसा कुछ आया तो अच्छा लगा। ये इसका डिटेल भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को आना है लात पंचायत तो ये होमस्टे बुक कर सकते हो। और यहाँ ठंड एकदम नहीं है, देखो भाई चंडोगन जी पहन के बैठे हैं यहाँ पे, गर्मी लग रहा है। यहाँ सो गए थे और अब कुछ तो करने का था नहीं, निकले थे बर्ड्स वर्ड्स, दादा को कुछ दिखा नहीं, तो अब सोने के बाद अचानक उठते वक्त एक हम लोगों में आर्गुमेंट हो गया टाइम को लेके। मेरे फ़ोन में 8:43 हो रहा है, ये देखो 8:44 अभी, और बाकी जो दो यहाँ पे फ़ोन है इन दोनों में यहाँ 9:14 हो चुका है अभी। तो ये दोनों फोन और कोई डिस्टेंस नहीं है, देखो एक ही रूम में हम लोग हैं, बट ये दोनों फोन में क्या हो रहा है कि कोई डिफरेंट टाइम जोन पकड़ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ था, ये जानना है कि ये टाइम जोन पकड़ कहाँ कर रहा है, कि ये क्या बांग्लादेश होते पड़े, बांग्लादेश बोल सकते। 90% चांस है कि बांग्लादेश का ही टाइम जोन, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे जिसका टाइम जोन लेगा। तो ये एक बार थोड़ा पता करते हैं, अच्छा लगा, मैं सोचा एक बार शेयर करूँ आप लोगों से। तो ऑलमोस्ट 9 बजने को है, घड़ी था ना इधर कहाँ पे, हाँ 8:45 हो रहा है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा कुछ यहाँ पे देखने के लिए, मतलब वो क्या है दिखेगा तभी बताएंगे, नहीं दिखेगा तो चलो ठीक है, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र से अभी मुलाकात हुई है हमारी, और वही हम लोगों को बताया कि यहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिलेगा अभी, अगर रात को निकलेंगे तो ऐसा चांस कौन छोड़ेगा। तो चलो देखते हैं अगर कुछ दिखता है, अंधेरा है अब, आगे लाइट वाइट क्या होगा कैसे होगा वो अरेंज किया जाएगा। ये हमारा ग्रुप, यहाँ मैं, बाद बाकी कुछ है, ये कौशिक दा, फोकस को दे दो मार, नीलांजन दा, रात को जंगल में हम लोग भटक रहे हैं भूत की तरह, बताओ। देखो सुंदर गंगा हो, अच्छा अच्छा प्रेइंग मेंटिस, कोई আলোটা দেখো তো এই জায়গায় ঠিক আছে।
ফিমেলটা বড়, ফিমেলটা বড়, হ্যাঁ মানে জাস্ট বলো ভাই এটা আবার কী রে, সাপ হলে বলবেন? হ্যাঁ না সাপ না, এই যে এই যে দেখো এটা কি, ও পোকা গুবরে পোকা। ডান ডান আমি একটা ফটো তুলবো আপনি দেখা দেখি, মানে নট আ ফোন ফটোগ্রাফার। ওই দাদা পেয়েছে শর্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি পেয়েছেন? একটু ইয়ে হয়ে গেল, হ্যাঁ ইউটিউব ঠিক আছে, ও মুভ করছে না ওই জন্যই প্রবলেম হয়। এর ইতিহাস বলছি আপনাকে, তোমার হলে বলো ঠিক আছে আমি সরে যাবো। না আপনার হলে আমি চালাবো অন করবো। না আমার তো চলছে, রেডি আছে। বাহ এইটা পাতাটা সরিয়ে দেবে? হ্যাঁ আসুন। কোনটা 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 মিলে গেছে বুঝলে? এখানে আরেকটা মিটিং চলছে, কেউ দেখতে পেয়েছো? আমি অন্যদিকে খেয়াল করি তো, বাচ্চা কাচ্চারা মেট করছে, হ্যাঁ জঘন্য দেখতে, আমার ডকুমেন্টে বিক্রি হবে না। আগে দর্শন দাঁড়ি তারপর গুণ বিচারি, মানেন তো বাংলা আছে। এক স্পাইডার হ্যায় বহুত খুবসুরত হ্যায় দেখনে মে। আমি না পাথর তলায় না हमारे होम स्टे से, मतलब ऑल ऑफ अ सडन होम स्टे में मुलाकात हुआ प्रीतम से। प्रीतम हमारे लेफ्ट साइड में खड़ा है और अभी जंगल में इतनी अंदर हम लोगों को लेके आ चुका है और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर। और यू कुड से लाइक हम लोगों को जो दिखा इंसेक्ट का नॉलेज और नॉलेजेबल बंदा है। और जब ऐसे कोई सफ़र पर आप निकलो और एक माइंडसेट मिल जाए आपको वैसा जो आपके माइंडसेट से मैच करता हो तो नथिंग लाइक दैट, और वही हुआ हम लोगों के साथ। ये जैसा ही आवाज़ दिया कि आप लोग जाना चाहते हो हम लोगों के साथ मेरे साथ, तो अब उस वक्त फेस देखने लायक था कौशिक दा का, नीलांजन दा और मेरा की यार ये दिल की बात ये तो एकदम मतलब दुखती रथ पे हमारा हाथ रख दिया है बंदा कि चलो अब तो जाना ही। और हम लोग जंगल में कुछ अंदर तक आ चुके हैं, ये रास्ता भी दिखा दिया, हो सकता कल परसों फिर हम लोग यहाँ ट्राई करें। तो थैंक्स अ लॉट बॉस, अच्छा लगा तुमसे मिल के। और जो भी फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ है वो तो मज़ा आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो चलो अब चलें अपने डायरेक्ट रूम पे और डिनर करना है। দাও তো দাও, আমার ওয়াইফের স্পাইডার নিয়ে খুব ভয়, ওর জন্য তুলে নিয়ে যাই। মোবাইল ফোন নিতে পারবে? হ্যাঁ মোবাইলই নেবো, মোবাইলই নেবো।